फ्रस्ट्रेशन में है, इतनी ज़्यादा आक्रोशित है कि ये हमने क्या कर दिया, ये हमसे क्या पाप हो गया, क्या गुना हो गया, उनको पता नहीं, काम कर नहीं सकते हैं, केवल भाषण पिलाना है, भाषण पिलाना है, तो भाषण पिलाने से तो पेट भरेगा नहीं भाई। जब आपको सत्ता दी है, आप 2 महीने हो गए, आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, आपके मंत्री जो है वो कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, उनके अधिकारी लग नहीं रहे हैं, योजना आपके पास कोई है नहीं, केवल आप 5 साल जो आपने प्रोपोगंडा रचा, जो आपने झूठे जो नारे दिए, उनसे आप दोबारा लोकसभा जीतना चाहते हो, या धर्म के आधार पे लोगों को बांट करके, या संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके और डरा धमका के, और आप लोकसभा या चुनाव जीत करके दोबारा देश की सत्ता पे काबिज होना चाहते हो, तो ये नामुमकिन है, ये होने वाला नहीं है। अब देश के लोग जान चुके हैं, प्रदेश के लोग जान चुके हैं कि इनके इनका कोई विजन नहीं है, न राज्यपाल के अभिभाषण में इनका कोई विजन रहा, न कल मुख्यमंत्री जी का भाषण इतना नीरस था कि हाथ जोड़ को एक कहना पड़ा, महाराज अब हमारे पीछा छोड़ दो, बहुत हो गया, हमने मान लिया कि आप भाषण अच्छा देते हो। तो आप समझिए कि 2.25 घंटे तक हमारा मुख्यमंत्री बोले और एक बात जनता के लिए नहीं बोले, केवल वही बातें जो ये 5 साल तक जो हमारी सरकार के खिलाफ जो चर्चाएं करते रहते थे, जुमले गढ़ते रहते थे, जो परसेप्शन बनाने की चेष्टाएं करते रहते थे, वही बातें अगर आप बातें करोगे तो इससे जनता को क्या लाभ मिलने वाला, आप बताइए। आपने जो कुछ कहा, देश के प्रधानमंत्री ने कहा, जनता ने आपको बहुमत दे दिया, अब आप ये बताओ कि आप ये काम करो। वो कह रहे हैं हम ये जांच करा दें, ये जांच, तो मना कौन कर रहा है? आपके पास सरकार है, एजेंसी है, ATS बना दी, पता नहीं क्या क्या बना दी, ACB आपके पास में है, CBI आपके पास में है, इनकम टैक्स आपके पास में है, ED आपके पास में है, आपको मना कौन करने आया? उसका नाम बताओ कि मना कर रहा है कि आप जांच नहीं कराओगे और दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं करोगे, मना कौन कर रहा है? लेकिन इनको केवल बातें करनी है, इसके अलावा काम नहीं।